नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। यासीन मलिक की पत्नी मुशाल मलिक द कश्मीर फाइल्स के बाद एक बार फिर से चर्चा में है। यासीन मलिक जो कश्मीरी पंडितों का हत्यारा है और हमारे जवानों पर हमले के आरोप में जेल में बंद है, उसकी पाकिस्तानी पत्नी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से वायरल हो रहा है, जिसमें वो रोते हुए नजर आ रही हैं और अपने पति यानी कि शौहर के लिए रहम की बात कर रही हैं, डर की बात कर रही हैं, धमकी की बात कर रही हैं। तो देखा आपने किस तरह फूट फूट कर रो रही हैं ये मोहतरमा, छोटी सी बच्ची का सहारा ले रही हैं, लेकिन इन्हें तब याद नहीं आया जब एक आतंकी से निकाह कर रही थी, जिसने हजारों घर उजाड़ दिए, लाखों को बेघर कर दिया, हजारों मासूमों को यतीम बना दिया, हजारों महिलाओं को नरक में धकेल दिया और आज उसी के लिए खुद को एक महिला और बच्ची को मासूम की तरह पेश कर रही है। और विडंबना देखिए, आतंकी यासीन मलिक की बेगम मुशाल पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष हैं और इनके संबंध कई वरिष्ठ राजनेताओं व ब्यूरोक्रेट से भी हैं। आपको जानकर शायद हैरानी ना हो, कश्मीर में आतंक मचाने वाले आतंकियों को मुशाल कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर देखती हैं और बुरहान वानी जैसे आतंकी को श्रद्धांजलि देती रहती हैं। एक बार मुशाल ने कहा था कि बुरहान एक क्रांतिकारी प्रतीक और आइकन था जिसने कश्मीर के लिए बलिदान दिया। यासीन मलिक की बीवी मुशाल की वीडियो शेयर करते हुए अरुण यादव ने लिखा है, जब यासीन मलिक की बीवी का रोते हुए वीडियो देखा तो दिल से इच्छा हुई मोदी जी के पैर छू लूं और धन्यवाद दूं, आतंकी को भी दर्द और डर का एहसास करा दिया। इस वीडियो के नीचे एक यूजर ने लिखा, जब कश्मीर में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा था, छोटे बच्चों को गोलियों से भूना जा रहा था, तब ये कहां थी मोहतरमा। इसके साथ एक यूजर ने लिखा कि मन के अंदर से ये भरोसा हुआ है कि भगवान है किसी ना किसी रूप में, मोदी जी ने इस हत्यारे को तिहाड़ पहुंचाकर भगवान के दूत के जैसा काम किया है, लव यू मोदी जी। एक दूसरे यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि दूसरी महिलाओं के सुहाग उजाड़ कर अपने सुहाग को सलामत नहीं रख सकती, जैसी करनी वैसी भरनी, ये दर्द अच्छा है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।